हाउ टू रजिस्टर SBI नेट बैंकिंग इन 2022, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप लोग कैसे 2022 में अपना जो नेट बैंकिंग है SBI का, उसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने SBI में नया नया अकाउंट बनाया और दोस्तों आप लोग नेट बैंकिंग को रजिस्टर करना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप लोग कैसे जो है अपना नेट बैंकिंग को चालू कर सकते हो बिना किसी ब्रांच में जाए। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको पता चल जाए कि आप लोग कैसे 2 मिनट में, बस 2 मिनट, SBI का नेट बैंकिंग उसको कैसे चालू कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 चीजों की जरूरत होती है, एक है आपका ATM कार्ड और दूसरी जो चीज है आपका मोबाइल नंबर। ये दोनों चीज अगर आपके पास होती है तो आप लोग यहाँ पे अपना जो नेट बैंकिंग है उसको 2 मिनट में रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले आ जाना है SBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे, जो कि onlinesbi.com। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक पर्सनल सेक्शन मिलेगा। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट होता है तो आपको यहाँ पे पर्सनल सेक्शन पे जाना होता है, और अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाना होता है। तो हमारा सेविंग्स अकाउंट है और ज्यादातर लोगों का सेविंग्स अकाउंट ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमको दोबारा से यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्शन करना है और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, CIF कोड, ब्रांच कोड, कंट्री, आपका मोबाइल नंबर, या फिर आपको वही मोबाइल नंबर डालोगे जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जो फैकल्टी है, मतलब कि वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन राइट यहाँ पे फुल सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है और उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी सारे डिटेल्स हैं, अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, ये सारी चीजें आपको आपको जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको सेविंग्स अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और दोस्तों राइट साइड में आपको आपका मोबाइल नंबर और जो ब्रांच कोड है वो वहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों इसको यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP को देख के आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिए, उसको कन्फर्म कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो ATM कार्ड है उसको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आप लोग I have my ATM कार्ड को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो ATM कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर वो कार्ड एक्टिव होता है तो यहाँ पे आपको एक्टिव कार्ड में दिख जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे आपको उसको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद आप लोग उसको कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो कार्ड है उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है, जैसे कि कार्ड का जो एक्सपायरी डेट और मंथ है, उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम क्या है, उसके बाद उसका पिन, और दोस्तों नीचे एक कैप्चर कोड दिया है, इसको आपको देख के यहाँ पे टाइप कर देना है। सारी चीजों को डालने के बाद आप लोग नीचे जो प्रोसीड बटन है उसको क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आती है, यहाँ पे दोस्तों आपको यूजर नेम को सिलेक्शन करना होता है। दोस्तों यहाँ पे यूजर नेम जो है आप लोग सोच समझ कर सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो यूजर नेम है एक बार अगर आपने क्रिएट कर लिया इसको आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो भी यूजर नेम डालोगे उसके बाद आपको नीचे एक ग्रीन कलर का लिखा हुआ आएगा, यूजर नेम इज अवेलेबल। अगर दोस्तों आपने जो यूजर नेम डाला है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है तो आपको नीचे रेड कलर में दिखेगा कि वो अवेलेबल नहीं है, और दोस्तों अगर वो अवेलेबल होता है तो आपको वो ग्रीन कलर में दिख जाएगा। इसके बाद नीचे आपको आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये जो लॉगिन पासवर्ड आप लोग डाल रहे हो, ये जो पासवर्ड है दोस्तों यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और दोस्तों सिंबल नंबर्स के कॉम्बिनेशन में डालना है। ये सारी चीजें आपको नीचे लिखी हुई दिख जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का पासवर्ड आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग सबमिट कीजिए उसको। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका जो नेट बैंकिंग है यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। इसके बाद आपको दोबारा से onlinesbi.com पे चले जाना है। वहां पे आपको लॉगिन दिखेगा, लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो यूजर नेम आपने सेट किया वो डाल दीजिए, पासवर्ड जो सेट किया वो डाल दीजिए, उसके बाद जो कैप्चर कोड नीचे दिख रहा है उसको सही से टाइप कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आपके फोन पे एक OTP जाएगा, OTP को डाल के आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका जो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आता है, वो है आपका प्रोफाइल पासवर्ड सेट करना। प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। अगर फ्यूचर में आप लोग अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको घर से चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड की जरूरत होती है। तो प्रोफाइल पासवर्ड जो है आप लोग सोच समझ के डालिएगा और दोस्तों इसको याद भी रखिएगा। तो सब लोग कुछ इस टाइप का प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल पासवर्ड को 2 बार डाल देना है। उसके बाद दोस्तों एक हिंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है जिसको आपको यहाँ पे डाल देना है। हिंट क्वेश्चन किस काम में आता है, अगर दोस्तों आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड किसी तरह भूल गए हो तब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देके आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, मतलब कि दोस्तों आपका यहाँ पे जन्म तिथि और दोस्तों कहाँ पे आप पैदा हुए थे वो दोनों चीजें यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। प्रोफाइल पासवर्ड सेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल भी सेट करना होता है, आपका एक ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आप लोग एक ईमेल अपना जो भी जीमेल का अकाउंट है या फिर जो ऑफिशियल ईमेल आप लोग यूज करते हो वो डाल दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक से रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे वहाँ पे जाएगा। अगर आप लोग स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करते हो तो आप लोग डायरेक्टली अपने ईमेल पे वो स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ईमेल डालने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए और दोस्तों आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों SBI के जितने भी सारे सर्विसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हजारों में सर्विसेस आपको दिख जाएंगी जिनका दोस्तों आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बैलेंस देखने के लिए आप लोग यहाँ पे अकाउंट समरी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक हियर टू बैलेंस पे क्लिक कर दीजिए तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपना जो बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आप लोग अगर अपना जो लास्ट 10 ट्रांजेक्शन है उसको देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं SBI के नेट बैंकिंग के इस पोर्टल के बारे में या फिर दोस्तों आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है रजिस्टर करने में तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि दोस्तों इसी तरह के जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहें।